मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदसुरथाजिर बिहारी कुछ यही दीन दुखित सब माता कहब काह मैं तिन्ही विधाता पूछी जब ही लखन महतारी कही हो कवन सदेश सुखारी राम जननी जब आई ही धाई सुमिरि बच्चु जी मिधे नुलवाई पूछत उतरु देव मैं तेही गे बनु राम लखनु मैं देही जोई पूछी तेही उतरु देवा जाई अबध अब यहु सुलेवा भवन मंगल हारी द्रवम सुदसुरथाजिर बिहारी एहि विधि करत पंथ पछितावा तमसा तीर दूर करथुआवा विदा किए करी बिनय निशाना हिरे पाय परी बिकल विषादा बैठत नगर सचिव बैठ भवन रथु राखी द्वारे जिन जिन समाचार सुनि पाए धूप द्वार रथु देखन आए रथु पहचानी बिकल लखी गोरे गरही गात जिनी याद बोरे नगर नारी नर व्याकुल कैसे निघटत नीर भवन मंगल हारी द्रवम सुदसुरथाजिर बिहारी सचिव आगमन सुनत सबु बिकल भयउ रनिवासु हवन भयंकर लागती मानव प्रेत निवासु मंगल भवन अर्थात जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या उत्तर कहूँगा जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती हैं तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचाया हूँ लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है सुमंत इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे इतने में ही रथ
तुरंत तमसा नदी के तट पर आकर पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। नगर में प्रवेश करते ही मंत्री ग्लानी के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ को देखने के लिए राजद्वार पर आए। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं यानी क्षीण होते जा रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगने लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान यानी शमशान हो। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय सियाराम।